इसी तरह से दुआ की गलतियों में ये भी है कि आदमी दुआ करने में दुआ में ध्यान न रखे बल्कि रस्मन रस्मन लापरवाही से दुआ करे। क्या आदमी मांगे अल्लाह से, अल्लाह ये दे वो दे वो दे, हाँ ठीक है दे दे और निकल गया एकदम, यानी दुआ में कोई जान नहीं उसके, वाकई गिड़गिड़ा के अल्लाह से अंदर से मांग रहा हो ऐसा नहीं है, रस्म रस्म के तौर पर दुआ मांगे अल्लाह से, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले दुआ के अंदर, बल्कि बस अल्फाज में मांग ले अल्लाह से और निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहा है मिलने के यकीन के साथ मांगे अल्लाह से, मिलने के यकीन से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उद्उल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा, अल्लाह से तुम ऐसे दुआ मांगो कि दुआ की कबूलियत का यकीन तुमको हो, दुआ के कबूल होने के यकीन के साथ अल्लाह से मांगो, रस्म पूरी करने के लिए दुआ नहीं, अल्लाह से यकीन के साथ मांगो कबूलियत के यकीन के साथ। वअलमु अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, खबरदार इसको याद रखो कि अल्लाह ताला ऐसे दिल से निकली हुई दुआ कबूल नहीं करता है जो दिल गफलत में पड़ा हुआ हो, गाफिल हो और लाहिन लहु लाइब में खेल तमाशे में पड़ा हुआ हो, गफलत में पड़े हुए दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। वाकई जो दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, आहुजारी से अल्लाह से मांग रहा हो, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है।